अभिमन्यु हैरानी के साथ डायना से पूछ पड़ता है, पर ऐसा कैसे हो सकता है? चित्रा आंटी को एकदम से महाडायन कैसे बना दिया जा सकता है बिना किसी मापदंड के? डायना अभिमन्यु से पलट कर कहती है, वही बात तो मेरी समझ नहीं आ रही थी अभी कि वो डायन जिसे ना कभी किसी ने देखा ना उसके बारे में सुना, उसे महाडायन कैसे बना दिया गया? अभिमन्यु डायना से फिर पूछ पड़ता है, क्या तुमने कभी चित्रा आंटी से पूछा नहीं कि उन्हें किस आधार पर महाडायन बनाया गया था, और वो पहले कभी किसी सभा में क्यों नहीं आई थी? डायना कुछ डरते हुए कहती है, मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी अभी कि मैं महाडायन से सवाल पूछ सकूं। उनका ओहदा बहुत बड़ा होता है, इतना बड़ा कि उन्हें तो हमसे सवाल करने का पूरा हक है, पर हमें उनसे सवाल करने का कोई हक नहीं है। उनसे सवाल करना मतलब अपनी जान को खतरे में डालना। वो कब क्या करते कुछ नहीं कह सकते हैं। युग तुरंत डायना से पूछ पड़ता है, उस रात वो सभा क्यों बुलाई गई थी डायना, क्या हुआ था उस सभा में? डायना युग के सवाल का जवाब देते हुए कहती है, डायनो की वो सभा पंचम गांव में बुलाई गई थी। कछुआ अपनी दोनों भवें ऊपर करते हुए हैरानी के साथ डायना से बोल पड़ता है, क्या कहा? पंचम गांव में? वही पंचम गांव जहां पर हम अनुराग अंकल का शव लेने के लिए गए थे, जहां पर हमारा सामना महाडायन से हुआ था। डायना हामी भरते हुए कहती है, हाँ वही पंचम गांव कछुआ, हम डायनो की सभा ज्यादातर पंचम गांव में ही हुआ करती थी, जिसके दो कारण थे। पहला ये कि सदियों पहले डायने पिशाच, नर पिशाच, चुड़ैले सब वहीं पर रहा करते थे, पंचम गांव ही सबका बसेरा था। पर उस गांव के तबाह होने के बाद डायनो पिशाच, नर पिशाच, चुड़ैलों ने भी वो गांव छोड़ दिया था, क्योंकि वहां पर कोई इंसान बचा ही नहीं था कि जिसका शिकार करके डायन अपने खाने की पूर्ति कर सके। दूसरा कारण ये था कि जब गांव तबाह हो गया तो डायनो के लिए उनसे सुरक्षित कोई और दूसरी जगह नहीं हुआ करती थी। वही एक गाँव था जहाँ पर न कोई इंसान आता था न जाता था। सभा करने के लिए वो गाँव बहुत महफूज था, जहाँ सभी डायने अपने अपने असली रूप में सबके सामने आ सकती थी। देखते ही देखते डायना की आंखों के सामने वो पल गुजरने लग जाता है जब वो पंचम गांव गई थी और उसने महाडायन यानी चित्रा को पहली बार देखा था। रात का वक्त था और पंचम गांव में जो मैदान था वहां पर डायनों का जमघट जमा हुआ था। वो मैदान काफी बड़ा था, जिसमें करीब 10,000 से ज्यादा लोग एक साथ खड़े हो सकते हैं। उसी मैदान में हर तरफ डायने खड़ी हुई थी, जिस तरफ नजर जा रही थी उस तरफ डायने नजर आ रही थी, जो कि काफी डरावनी और खूंखार लग रही थी। कुछ कुछ डायनों के हाथ में तो अभी भी इंसानों का मांस था, वो उसे कच्चा चबाए जा रही थी, उनके मुंह खून से लथपथ थे। उसी मैदान के बीचों बीच एक बड़ा सा बरगद का पेड़ था जिसकी लताएं नीचे तक आ रही थी। उन्हीं लताओं से मिलकर बरगद के तने के पास एकदम बीचों बीच एक बड़ा सा आसन बना हुआ था। उसी आसन पर कोई और नहीं बल्कि चित्रा बैठी हुई थी। चित्रा के बाल खुले हुए थे और हरे रंग में चमके जा रहे थे। सिर्फ बाल ही नहीं बल्कि उसकी आंखें भी हरे रंग में चमके जा रही थी। चित्रा का सौंदर्य रूप और ज्यादा निखर चुका था। उसकी उन हरी आंखों में काला काजल था और खुले बालों में वो और भी ज्यादा सुंदर लग रही थी। इतनी ज्यादा सुंदर कि अगर उसे अनुराग देख लेता तो उसका एक बार और दीवाना हो जाता। रात के घने अंधेरे में बस उस बरगद के पेड़ के पास से हरी रोशनी निकल रही थी, बाकी पूरे गाँव में अंधेरा छाया हुआ था। सभी डायने एकटक नजर से चित्रा को ही देख रही थी, जैसे वो उसके कुछ कहने का इंतजार कर रही हो। चित्रा के अगल बगल पांच पांच डायने और खड़ी हुई थी जो कि कुछ अलग लग रही थी। ये वही 10 डायने थी जिसमें से किसी एक को महाडायन बनना था, पर महाडायन चित्रा बन चुकी थी। डायना उन 10 डायनों के बीच खड़ी नहीं हुई थी, वो तो भीड़ में खड़ी हुई थी बाकी सब डायनों के साथ, एक ऐसी जगह जहाँ से चित्रा को डायना कहीं नजर ही नहीं आ रही थी। चित्रा सभा को संबोधित करते हुए कहती है, आप सब डायनों का मैं अपनी सभा में स्वागत करती हूँ। मुझे पता है आप सब यही सोच रहे होंगे, आखिरकार अचानक ये सभा क्यों रखी गई है। ये सभा रखनी जरूरी थी क्योंकि बुरा वक्त आने वाला है, बहुत बुरा, इतना बुरा वक्त जो हम डायनों का अस्तित्व खत्म कर देगा। जैसे चित्रा ये बात बोलती है सब डायनों में आपस में फुसफुसाहट चालू हो जाती है, उनके बीच हलचल मच जाती है। चित्रा अपनी बात को आगे जारी रखते हुए फिर बोल पड़ती है, आप सब घबराइए मत, शांति बनाए रखें। मैं महाडायन हूँ, अब मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आप सबकी रक्षा करूँ, सिर्फ आप सबकी ही नहीं पूरी डायन कौम की, इसीलिए मैंने ये सभा बुलाई है। सभी शांति के साथ बड़े गौर से चित्रा की बातें सुनते रहते हैं। चित्रा फिर बोल पड़ती है, एक काम है जो सदियों से अधूरा है, उस काम को हमें बहुत पहले ही कर देना चाहिए था, पर वो काम अब तक अधूरा है, पर अब उसे पूरा करने का वक्त आ गया है। वही अधूरा काम पूरा करके हम डायनो की कौम को बचा सकते हैं। डायना मन ही मन सोचने लग जाती है, ये महाडायन आखिर किस काम की बात कर रही है, ये सीधे सीधे अपनी बात सबके सामने क्यों नहीं रख रही है। चित्रा फिर सभा को संबोधित करते हुए कहती है, क्या आप सब डायन की कौम को बचाना चाहते हैं? सभी डायने एक साथ बोल पड़ती हैं, हाँ। चित्रा फिर कहती है, क्या आप डायनों को और शक्तिशाली बनाना चाहते हैं? फिर सभी डायने एक साथ बोल पड़ती हैं, हाँ। चित्रा फिर कहती है, तो फिर आइए एक एक करके और दिखाइए अपना हुनर मेरे सामने,
आप में से किसी एक को चुना जाएगा उस काम के लिए और जो डायन ये काम करेगी उसे सदियों तक याद रखा जाएगा। उसका नाम डायनो के इतिहास में अमर हो जाएगा। जैसे ही चित्रा ये बात बोलती है डायनो के बीच उत्साह बढ़ जाता है। अपनी खुशी दिखाने के लिए वो चीखने लग जाती हैं। अगले पल एक एक करके सभी डायने चित्रा के सामने जाने लग जाती हैं और अपनी अलग अलग शक्ति का प्रदर्शन उसके सामने करने लग जाती है। एक एक डायन चित्रा के सामने आते जा रही थी और फिर वहां से जाते जा रही थी। वो 10 डायने जो चित्रा के अगल बगल खड़ी हुई थी उनके तो समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर चित्रा करना क्या चाहती थी। कई सारी डायने चित्रा के सामने से गुजर गई थी पर चित्रा सभी को लेकर मायूस थी। उसे अभी तक कोई डायन ऐसी नहीं मिली थी जो अधूरे काम को पूरा कर सकती हो। चित्रा की उम्मीदें टूटती जा रही थी। उसके चेहरे को देखकर साफ समझ आ रहा था कि वो काफी निराश हो गई थी। एक एक करके सभी डायने चित्रा के सामने आकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करके वहां से जा ही रही थी कि तभी डायना चित्रा के सामने आती है। डायना भी चित्रा के सामने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने ही वाली थी कि चित्रा उसे रोकते हुए कहती है, रुक जाओ, तुम्हें कुछ करने की कोई आवश्यकता नहीं है। डायना रुक जाती है, वो अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं करती है। चित्रा तुरंत अपने आसन पर से उठ जाती है और डायना के पास जाने लग जाती है। चित्रा डायना के पास जाती है और उसके आसपास घूमते हुए उसे बड़े गौर से देखने लग जाती है। डायना के तो समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर उसने ऐसा क्या कर दिया था कि चित्रा ने उसे उसकी शक्ति प्रदर्शन करने से भी रोक दिया था और उसे इस तरह देखने लग गई थी। चित्रा डायना को देखते हुए बोल पड़ती है, तुम ही हो वो डायन जो उस अधूरे काम को पूरा करोगी। जैसे ही चित्रा ये बात बोलती है सब डायनों में हुड़दंग मच जाती है। सब डायने आपस में फुसफुसाने लग जाती हैं। 10 डायनों का ग्रुप जो वहीं पर मौजूद था उन 10 डायनों में से एक डायन बोल पड़ती है, ये आप क्या बोल रही हैं महाडायन, ये वो कैसे हो सकती है, अभी तो इसने अपनी शक्ति का प्रदर्शन भी नहीं किया। और आप, वो डायन अपनी बात पूरी करती उससे पहले ही चित्रा गुस्से के साथ बोल पड़ती है, मैंने अपना फैसला सुना दिया है और अब मेरा फैसला नहीं बदलने वाला है। चित्रा का गुस्सा देख कर 10 डायने खामोशी रहती है, पलट कर कुछ नहीं कहती है। चित्रा सभा को संबोधित करते हुए कहती है, वो डायन जिसे अधूरे काम को पूरा करने के लिए चुनना था उसका चुनाव हो चुका है, अब आप सभी डायने यहाँ से जा सकती हैं। आज की सभा यहीं पर समाप्त की जाती है। चित्रा का ये फैसला सुनते ही फिर डायनों के बीच हलचल मच जाती है, वो आपस में फुसफुसाने लग जाती हैं। चित्रा के पास खड़ी 10 डायनों में से फिर एक दूसरी डायन बोलती है, पर आप ऐसे कैसे। चित्रा उस डायन को भी गुस्से से घूरते हुए बोल पड़ती है, तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा, मैंने कहा सभा समाप्त हो चुकी है, तुम सब जा सकते हो यहाँ से। चित्रा महाडायन थी और उसके फैसले के खिलाफ कोई नहीं जा सकता था, इसलिए सभी डायने वहाँ से जाने लग जाती हैं। डायना भी वहाँ से जा रही थी। उसी वक्त चित्रा डायना को टोकते हुए कहती है, रुको डायना, तुम कहाँ जा रही हो, मैंने तुम्हें जाने के लिए नहीं कहा है, बाकी सबको कहा है। डायना चित्रा के सामने अपना सिर झुकाती है और वहीं पर रुक जाती है। देखते ही देखते सभी डायने वहाँ से चली जाती हैं। वहाँ पर बस चित्रा और डायना मौजूद रहती हैं। उन दोनों के सिवा वहाँ पर कोई नहीं था। चित्रा और डायना दोनों के बीच में ही खामोशी छाई हुई थी। डायना बार बार यही सोच रही थी कि आखिर चित्रा ने उसे किस काम के लिए चुना था, उसे वहाँ से क्यों नहीं जाने दिया था। चित्रा डायना से कहती है, मुझे पता है डायना तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, कुछ ही देर में मैं तुम्हारे सारे सवालों के जवाब दे दूंगी। डायना खामोशी रहती है। चित्रा फिर बोल पड़ती है, तुम जानना चाहती हो ना मैंने तुम्हें किस काम के लिए चुना है, ऐसा कौन सा काम है जो सदियों से अधूरा है। डायना हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहती है, हाँ महाडायन मैं जानना चाहती हूँ। चित्रा डायना से पलट कर कहती है, वो अधूरा काम है डायनों का हीरा। जैसे चित्रा ये बात बोलती है डायना हैरानी के साथ चित्रा की तरफ देखने लग जाती है। चित्रा अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहती है, तुम्हें तो पता ही होगा डायना हम डायने किस वजह से आज इतनी कमजोर हैं, क्योंकि हमारे पास हमारा हीरा नहीं है। अगर वो हीरा हमारे पास आ गया तो हम पहले की तरह शक्तिशाली बन जाएंगे और फिर हमारे अस्तित्व को कोई नहीं मिटा सकेगा। डायना हैरानी के साथ चित्रा से कहती है, पर वो हीरा तो लुप्त हो गया था ना। चित्रा पलट कर जवाब देती है, लुप्त हुआ नहीं था डायना बल्कि लुप्त कर दिया गया था, पर अब वो फिर से अस्तित्व में आ गया है और तुम्हें उस हरे हीरे को लेकर ही मेरे पास आना है। डायना खामोशी के साथ खड़ी रहती है, पलट कर कुछ नहीं कहती है। चित्रा को लगने लग जाता है कि डायना उसकी बात मानने के लिए तैयार हो गई थी, इसलिए वो आगे बोल पड़ती है, उस हीरे को लेने के लिए तुम्हें बंगला मुड़ा जाना होगा, वो हीरा वहीं पर है, पर वहां पर जाने से पहले तुम्हें बहुत सारी तैयारियां करनी पड़ेगी, मुझे तुम्हें बहुत कुछ सिखाना होगा जिसके लिए तुम्हें यहाँ मेरे साथ पंचम गांव में ही रहना होगा। डायना हैरानी के साथ कहती है, क्या कहा, यहाँ पर रहना होगा। चित्रा हामी भरते हुए कहती है, हाँ डायना तुम्हें यहाँ पर रहना होगा मेरे साथ। चित्रा कुछ और कहने वाली थी कि उससे पहले ही डायना बोल पड़ती है, नहीं मैं यहाँ पर आपके साथ नहीं रह सकती, ना ही मैं आपका ये काम कर सकती हूँ। डायना का जवाब सुनकर चित्रा को झटका लगता है और बेचैनी के साथ कहती है, क्या कहा, तुम ये काम नहीं कर सकती, पर क्यों,
डायना कहती है, इस काम को करने के लिए मुझे यहाँ पर रहना होगा, अपने परिवार को छोड़ना होगा और मैं अपने परिवार को नहीं छोड़ सकती हूँ, मुझे मेरा परिवार बहुत प्यारा है। चित्रा हैरानी के साथ कहती है, तुम्हारा कौन सा परिवार है डायना? जितना मुझे अपनी शक्तियों से तुम्हारे बारे में ज्ञात है, तुम्हारा कोई परिवार नहीं है। डायना जवाब देती है, आपको मेरे बारे में बिल्कुल ठीक जानकारी है महाडायन जी, पर ये वो परिवार है जिसे मैंने बनाया है। कुछ रिश्ते महाडायन जी खून से नहीं होते हैं बल्कि दिल से होते हैं, और मेरा रिश्ता भी उनके साथ दिल से ही है। मैं उनका साथ नहीं छोड़ सकती हूँ, उन्हीं के साथ रहना चाहती हूँ। चित्रा पलटकर कुछ कहती है, उससे पहले ही डायना फिर बोल पड़ती है, अगर आप मेरी शक्तियाँ लेना चाहती हैं तो ले सकती हैं, मुझे डायन समुदाय से निकालना चाहती हैं तो निकाल सकती हैं, पर मैं अपने परिवार का साथ नहीं छोड़ सकती। जब चित्रा डायना के मुंह से ये शब्द सुनती है तो उसका दिल भर आता है। किसी अनजान परिवार के लिए उसके दिल में इतना प्यार देखकर उसका दिल भी सहम गया था। चित्रा डायना से पलट कर कहती है, अपने परिवार को तो कोई नहीं छोड़ना चाहता डायना, पर हालात मजबूर कर देते हैं। तुम अभी तो ये काम करने से मना कर रही हो, पर मैं तुम्हारी आंखों में साफ देख पा रही हूँ, ये काम तुम ही कर सकती हो, और एक दिन तुम खुद इस काम को करने के लिए मेरे पास आओगी। डायना पलट कर कुछ नहीं कहती है, एकटक चित्रा को ही देखती रहती है। चित्रा फिर डायना से कहती है, अब तुम जा सकती हो डायना, मुझे तुम्हारे वापस आने का इंतजार रहेगा, क्योंकि इस अधूरे काम को पूरा तो तुम ही करोगी, देख लेना तुम। डायना कहती कुछ नहीं, बस महाडायन के सामने अपना सिर झुकाती है, उसका आशीर्वाद लेती है और वहां से जाने लग जाती है। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी, यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है।